भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने अपर जिलाधिकारी के न्यायालय पहुंचकर नामांकन किया, जिसके संबंध में भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि जिस तरह गोरखपुर महानगर में विकास की गति आगे बढ़ रही है, उसी दिशा में कार्य करते रहेंगे। इसके अलावा देश में पीएम मोदी व प्रदेश में सीएम योगी जिस तरह से विकास की गंगा बहा रहे हैं, उसी तरह गोरखपुर में विकास की गंगा बहेगी और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जाएगा और जनता की जो समस्या रहेगी उसको दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा, कुछ कार्य है उसको और बेहतर किया जाएगा। महानगर के सभी वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य तेज किया जाएगा। इसके अलावा जल जमाव की समस्या को भी दूर किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, अरविंद निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, हमारी कुल ये है कि जिस तरह से विकास की गति चल रही है वो निरंतर और आगे आगे बढ़ती रहे, इसी दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। और इस संदर्भ में भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से उत्तर विकास का कार्य कर रहे हैं, हम उसी पर कायम रहेंगे और उसको और गति देने के क्या प्रयास करेंगे। तो गोरखपुर में चेहरा योगी जी रहेंगे कि पार्टी की तरफ से आपके सभी हम मिलकर काम करेंगे। इस तरह से यहाँ की जो मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, महापौर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको हम बेहतर करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है, जो जनता बताएगी समस्या आएंगी उनको हम बेहतर उसको सब सुलझाने की कोशिश करेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कुछ चीजें रह गई हैं, छोटी छोटी कमियां जारी हुए हैं, ऐसा नहीं कहता, किंतु उसको और बेहतर, जैसे वाटर लाइनिंग की प्रॉब्लम कुछ एरियाज में अभी भी है तो उसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जैसे और भी कई जो ये डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य चल रहा है उसको भी बेहतर करेंगे। और मैं तो संस्कार भारती से हूँ तो सांस्कृतिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास। तो एक सवाल आखिरी, कहा जा रहा है कि जातीय संतुलन को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार कायस्थ बिरादरी को भी जो है अपने पाले में कर लिया है, क्या कहेंगे, ये जाति संतुलन है या आपके कर्मों और पार्टी के प्रति सेवा का फल है? मुझे अगर आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से, कई सत्रों से ये सीट रिजर्व रहती थी और योगी जी से इस तरह की आशीर्वाद बहुत पहले प्राप्त हो चुका था और ये कोई जातिगत समीकरण नहीं है, हम सब मिलकर इसको और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।